आप एट अ टाइम सब कुछ सिलते हो, ये सारे कवर्स ये सिल रहे हैं, ये निकले हुए मेरी सीट्स और ये सिल रहे हैं बैक सीट के कवर आराम से। तब भी ऐसे मैं बिठाऊंगी नहीं, अब तीन जनों को बहुत बसड़ होती है। Hey guys, welcome everyone to my channel. This is Sakshi Dhanjal और मैं फाइनली आज जा रही हूँ डेढ़ साल बाद गाड़ी के कवर लगवाने। सो मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मानती हूँ, बट यूट्यूबर्स की भी इतनी कमाई नहीं होती जो आप लोगों को लगता है कि हाँ यूट्यूबर रातों रात में बहुत कुछ कमा लेते हैं। नहीं यार, तेरी सो मच पेन, बहुत मेहनत लगती है, इतनी जल्दी कुछ नहीं। सो बेसिकली मैं पहुंची करोल बाग। करोल बाग में जो शॉप है ना, ये स्पेशलाइज्ड है आपकी मैग्नाइट के लिए। सो आप यहाँ जा सकते हैं अगर आप मैग्नाइट का काम करवाना चाहते हैं स्पेशली। सो गाइस, लिटरली गाड़ी के पीछे वाली सीट के तो पूरा उतर चुका है, मेरी गाड़ी बिना कपड़ों के हो चुकी है। एंड लेट्स जस्ट सी कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में एंड मैंने कौन सा चूज़ करा है। क्या मैंने ये वाला चूज़ करा है? इस बार जब मैं बैठती हूँ ना तो गद्दी थोड़ी नीचे की तरफ होती है, एक्स्ट्रा फोम डाल रखा हूँ इसमें क्योंकि ना वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। देखो ना, आप डाल रखा हूँ एक्स्ट्रा फोम इसके नीचे, देख लो। डाला हूँ, कहाँ डाला है? एक और डाल दे। हाँ, कंफर्टेबल होनी चाहिए। एक और डाल दे, जो मैडम को दिक्कत नहीं होना चाहिए दूसरे काम में, और गाड़ी ड्राइविंग करने में। हाँ, वो बहुत ज्यादा। हाँ, अभी वो इसका हाइट कम है ना सीट का। हाँ, इसका बहुत कम हाइट। हाँ, है सीट तो का। मैं फॉर्म डाल के ना इसको एक्स्ट्रा पैडिंग कर देता हूँ ताकि आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम है। शुक्रिया, और मेरी हाइट भी वैसे छोटी है हिसाब से। फॉर्म लेके आ रहे हैं दूसरा। तो ये सिल रहे हैं, ये निकली हुई मेरी सीट्स और ये सिल रहे हैं बैक सीट के कवर। मैं लगवा रही हूँ, इसे क्या कहते हैं, एलईडी लाइट्स, एटीएम लाइट। क्या? एटीएम लाइट। एटीएम लाइट, बट मैंने सुना है रिमोट से कंट्रोल होती है। अच्छा, तो इसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, राइट? लाइट लगा रही है। हाँ, क्यों? ऐसे ही मेरी गाड़ी में नहीं है नीचे लाइट, मुझे अच्छी चाहिए, गाड़ी चमकेगी मेरी, गरम मजा आएगा। नहीं, इसमें कलर्स चेंज होते हैं पता है। देखिए पापा ने ना वहाँ पे जो सीट, बहुत सारे के उसमें वो भी होंगे यार, क्या कलर्स है, कलर्स बहुत सारे, साथ साथ बहुत सारे इफेक्ट्स भी होंगे, इफेक्ट्स भी हैं। और बताए मतलब मोर देन 250 तो पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, पर कितनी अजीब सी लग रही है ना गाड़ी खुली हुई। हाँ यार, जब मैं नई नई लेके आया था मेरी ऐसी खुली थी यार, बहुत गंदी हो रही है मेरी गाड़ी। निसान वाले ना सर्विस अच्छी नहीं करते भाई, मैं तो कंप्लेंट करने वाली हूँ, सर्विस पागल बनाते हैं बहुत सारा। मैं तो, मेरे को तो गुस्सा आया हुआ इन पे, मैं बस मेल मार्क करने की सोचती हूँ उनको हर अगले दिन। सो आप ये स्टीयरिंग कवर जब स्टिच करते हो तो डायरेक्ट आप वो जो स्टीयरिंग होता है उस पर करते हो लगाए लगाए, और इसका वो जो उसका परमानेंट कवर होता है उसके ऊपर ही, जैसे कि कंपनी टॉप मॉडल में स्टीयरिंग होके आता है। हाँ, और बिना कंपनी टॉप मॉडल में खाली आपका ये जो होता है ये जो कंपनी टॉप मॉडल में लग गया। ओके, तो वो फुल ब्लैक में ब्लैक स्टिचिंग होता है और व्हाइट स्टिचिंग होता है, वो ओएम स्टिचिंग कंपनी टॉप मॉडल में। अच्छा, और इसमें हमारे पास हर तरीके के डिजाइन है इसमें। ओके, जैसे आपको चॉइस करवा सकते हो, डबल टोन में आप जो डिजाइन में करवा सकते हो वो डिजाइन में आपको हो जाएगा। सही है, फिर तो ये ज्यादा बेटर है कि एक मॉडल नीचे ले लो गाड़ी, बेस को टॉप बनाओ, बेस को टॉप बना लो, बट ये वाला बेस नहीं है, ये एक्सेल है। एक्सेल है तो, हाँ, तो टॉप तो नहीं है ना? टॉप नहीं है, बट इसमें हम डाल सकते हैं बहुत कुछ, बट इसकी लाइट्स बहुत प्यारी लग रही है। हम तो अब पूरा काम होने दो, उसके बाद और आपको। अच्छा चलो, मैं वेट कर रही हूँ। एक चीज और बताओ आप मुझे, आप एट अ टाइम सब कुछ सिलते हो, ये सारे कवर्स, इसके इसमें हर चीज के बंदे अलग अलग है, जैसे सीट को फिटिंग करने वाला बंदा अलग है, स्टीयरिंग का बंदा अलग है, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला अलग है, इसमें बंदे बटे हुए हैं। अच्छा, ओके। नहीं तो एक बंदा काम करने लगेगा तो एक गाड़ी में सुबह से रात हो जाएगी। तो आज मैं हमारे पास आई है और वी आर स्पेशलिस्ट इन मैग्नाइट, और मैग्नाइट किंग हम नाम से जाना जाता है, राकेश तिवारी बड़े भाई है वो पूरा डील करते हैं, और 6000 से प्लस हम लोग मैग्नाइट
मॉडिफाइड कर चुके हैं, बेस टू टॉप कन्वर्जन हो गई, चाहे ऑटो फोल्ड मिरर हो गया, सेंटर लॉकिंग की डिग्गी हो गई, हर चीज DRL हो गया, फॉगलाइट, फर्स्ट टाइम सब कुछ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और मैग्नाइट भी इतना अच्छा खासा प्यार सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया, तो मैम आज हमारे पास आई है, तो उनकी ये कार है, इसको हम टोटली मेकओवर कर रहे हैं, टोटली कन्वर्जन कर रहे हैं, और बेस्ट वन कन्वर्जन हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन होता है इंटीरियर, कोई भी गाड़ी में बैठता है तो इंटीरियर सबसे बेस्ट चीज़ होती है, तो इंटीरियर की फुल मॉडिफिकेशन की जा रही है, जो हम लोग मून डिजाइन स्टेरिंग कवर लाए थे वो इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो आफ्टर मॉडिफिकेशन आप जरूर दिखाना कैसा लगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बता, आपको पता नहीं होगा ये पहली मैग्नाइट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 70,000 किलोमीटर प्लस कर चुकी है। ओके, आप कोई मैग्नाइट नहीं ढूंढ पाओगे, हम एक डिटेल रिव्यू बनाएंगे बहुत जल्दी, फिर अगर ऐसा कुछ है आप ढूंढ लो मैग्नाइट, आपको 70,000 क्रॉस कुछ नहीं लिखेंगे। और अभी हम वापस कर्नाटक जा रहे हैं, 1.5 से 2 साल ही हुआ है, आप एक बार उसकी डेट चेक करो, ये आपकी फरवरी 2021 का मॉडल है, स्टार्टिंग के जो दिसंबर में लॉन्च हुई थी, और इवन जो मैं कह रहा डिलीवरी इसी टाइम से स्टार्ट, डिलीवरी एक्चुअली फरवरी से स्टार्ट हुई, जनवरी एंड से स्टार्ट हुई है, और उसकी डेट चेक करोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग की डेट है आपकी, मतलब 70,000 क्रॉस कर चुका है ये पहली ऐसी। अभी जस्ट हम लेके जा रहे थे कर्नाटका में, और ये लेके जा रहे हैं इसको कर्नाटका, सो इट्स गोना बी क्रॉस नाउ 77K समवेयर, मतलब आपका बेसिकली ट्रिप ही ज्यादा ट्रिप जाता है, इसको तो हम बेस्ट मॉडिफिकेशन करेंगे फिर, नहीं इस बार मॉडर्न 77 नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। बाकी मैं एक चीज और बताती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इनके सर्विस एरिया पे, वो लोग कोऑपरेट नहीं करते, इसको बंद कर दोगे एसी को, जैसे ही बंद कर दो, लास्ट बटन घुमा दो, बस हो गया। सो ये चल यार, ये भी सही है, 3 जने बैठ जाएंगे आराम से, तब भी ऐसे मैं बिठाऊंगी नहीं, अब 3 जनों को बहुत बसड़ होती है। सो फाइनली मैं आर्मरेस्ट भी लगवा रही हूँ, विच इज कॉस्टिंग मी अराउंड 1500, सो मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगी कितना मुझे कॉस्टिंग पड़ी है एक चीज की। मुझे चश्मा दिला रहे हो फाइनली, मुझे क्या क्या है लिस्ट में वो बता दे, एक ड्रेस, एक चश्मा, एक नहीं बस यही दो चीजें, मैं ज्यादा डिमांड नहीं करती, यही दो चीजें बस, मैं खुश हूँ, तुम वो दिलाओ ना दिलाओ, चलेगा चश्मा बोलू हम गोवा की ट्रिप पे ना, गोवा की ट्रिप ना, एग्जैक्टली वो ना हो चलेगा, पर चश्मा दिला दो और ड्रेस भी, दिस लुक्स एक्चुअली गुड। सीख मत अच्छा, ये BMW वाला आर्मरेस्ट है जो कि परफेक्ट होता है मैग्नाइट के लिए, ज्यादातर हम लोग यही इंस्टॉल करते हैं, स्टार्टिंग से मतलब यही इंस्टॉल करा हम लोगों ने, तो इसमें एक आपको ये अडेप्टर वायर मिलती है, ये वायर दोनों USB होती है, ये आप एक चार्जिंग के सॉकेट में अडेप्टर में लगेगा, एक इसमें लगेगा, यहाँ पे फ्रंट में 3 होता और रियर में आपके 4 होता है, अच्छा। तो ये सारे चार्ज एक किसी एक में ये कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बाकी इसमें 7 होते हैं तो 6 इसमें वर्किंग हो जाएंगे, okay. तो 6 में आप कुछ भी आपके ट्रैवलिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है, yes. आपके गैजेट वैजेट सारे इसमें चार्ज होते रहेंगे, और डायरेक्ट जो अडेप्टर से लेगा डायरेक्ट पावर लेगा 12 वोल्ट का, और वो सब कुछ चार्ज कर देगा, स्पेसिस भी आपको मिल गया, प्लस पीछे अगर आप बैठते हो और गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा है तो एक कप होल्डर्स भी आपके लिए, और पीछे कॉइन रखने का भी है यहाँ पे, क्वाइन या सिगरेट एस्ट्रे भी बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पे सिगरेट एस्ट्रे भी है, यहाँ पे करना तो कैसे होगा, पीछे इसको ऐसे भी बंद होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा ये हार्ड होता है, इसको जो प्रॉपर फिट कर दिया ऐसे निकल भी जाता है ऐसे, अच्छा। अगर आपको कभी हटाना हो कि नहीं मेरे को ड्राइव नहीं करना, अच्छा। कोई नहीं रखना, स्पेसियस रखना, ओके। तो निकाल से कोई रिमूवेबल होता है, और ये इसकी फिटिंग होती है, यहाँ से ऐसे ऐसे वर्किंग करता है, ये लास्ट में यहाँ पे रुक जाता है, ओके। मैं दोबारा आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि हमसे निकल जाए और दोबारा लगे, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे लग गया दोबारा, तो ये थोड़ा हार्ड इसलिए लगता है, अगर ये ढीला हुआ तो प्लास्टिक का है तो ये फिर निकल जाता है तुरंत ज़्यादा, तो इसमें यही रहता है कि अगर थोड़ा सा ऐसे हाथ मारोगे और थोड़ा सा ऐसे करोगे तो ये प्रॉपर अपनी जगह ले लेगा, और ये प्रॉपर मैग्नाइट है क्योंकि इसके बिल्कुल ये सामने पड़ता है, और आपको जो लॉन्ग ड्राइव होगा उसको बहुत अच्छा रहेगा, कम्फर्टेबल रहेगा, तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहोगे ऐसे यहाँ पे रख सकते हो,
स्पेसेस काफी ज्यादा है, जो थोड़े बहुत सामान होते हैं आप इसमें रख सकते हो। बहुत ये यूजफुल आइटम एक तरीके से, यहाँ खाली रहता है उसकी जगह, और जो कंपनी से आर्मरेस्ट आता है वो आगे नहीं होता। हाँ, वो आगे नहीं होता, उसमें स्पेस भी कम होता है, स्पेस होता ही नहीं भैया, वो खुलता ही नहीं है, वो पूरा पैक रहता है, वो खुलता ही तुम्हारे वाला जैसा कि है। मैंने टॉप इसलिए नहीं लिया, उसमें मुझे बहुत सारे नुक्स मिले थे। आपको तो बेस लेना चाहिए था जब आपको हमारे बारे में पता था, पूरी मुझे आपके बारे में पता नहीं था। अच्छा, अब के बारे में पता था, यहाँ के बारे में बेसिक्स अगर पूरे करें हम अपने, जैसे ये सब 60-70 हजार अगर फिर भी अलॉयज तक जाते हो तो 1 से 1.25 तक पहुँचता है, और गाड़ी वो भी डिपेंड करता है की अलॉय की चॉइस। हाई बेस पता 6.5 लाख का मॉडल है, और अगर तुम वो भी ले रहे हो क्या कहते हैं जैसे ये वो वाला मॉडल है बेस में हमारे वो आता है टर्बो, ये आपका है एक्सएल टर्बो, ये एक्सएल टर्बो है, और वो बेस होता है एक्ससी, उससे ऊपर होता है एक्सवी, एक्सवी टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है एक्सवी। हाँ गाइस, आपने मॉडिफिकेशन तो होती देख गई थी, बट वेरी नेक्स्ट डे This is the modifications, guys. That's the seat cover जो मेरी गाड़ी से पूरे मैच कर रहे हैं, एंड आई टोटली लव देम। मुझे पूरा कॉस्ट इसका पड़ा समवेयर 9000 का। मैंने बहुत सारी चीज़ें करवाई, जस्ट ये नहीं लगवाया मैंने अपने लिए। आज ये भी परचेज किया अमेजोन से, सो आई कैन शेयर द लिंक और डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोग चाहो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लस यार मेरी गाड़ी बहुत बिखर चुकी है, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत सामान पड़ा है इस वक्त, सो मैंने अभी कुशन्स पीछे रखे हैं, आप चाहे तो आगे भी रख सकते हो। मैं गाड़ी फैला चुकी हूँ, क्योंकि ये मैं मतलब यू नो कल ये गाड़ी कहीं गई थी, उसके बाद उसके अलावा मेरी गाड़ी में ये ऑप्शन भी था, मुझे पता नहीं था, बट इन्होंने बहुत अच्छे से इसको मुझे करके दिया एडजस्ट। सच बता रही हूँ, मुझे पहले नहीं पता था ये ऑप्शन है। प्लस इसके अलावा मैंने इसमें अपना नाम भी लिखवाया, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ कि मैंने ये सारा काम कराया कहाँ से है। एंड आज मैं जा रही हूँ सर्विस सेंटर निसान के, मैं बताना चाहूँगी, मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कि निसान की सर्विस सबसे पुअर है।